Please subscribe to my channel by clicking the subscribe button and hit the bell icon also so that you won't miss my future videos. Hello friends, welcome to my channel. So aaj main aapke liye leke aayi hu one of my favorite curry which is Lauki Kofta Curry. एंड मैंने इससे पहले भी आपके साथ शेयर की है अपनी लौकी की एक रेसिपी विच इज़ लौकी चिला. तो अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर चेकआउट कीजिए मेरे चैनल में जाके. एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लौकी कोफ्ता करी. तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं फटाफट से आज का वीडियो. सो सबसे पहले हम लौकी को पील करके उसे ग्रेट करेंगे. यहाँ पर मैंने लिया है हाफ लौकी. अब हम इस ग्रेटेड लौकी में से एक्सेस वाटर को स्क्वीज़ कर लेंगे. हमें इसमें कम से कम पानी चाहिए नहीं तो कोफ्ता बॉल्स नहीं बन पाएंगे. हम इस बचे हुए पानी को फेंकेंगे नहीं, हम इसे बाद में ऐड करेंगे. अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे. हाफ टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला एंड 1/4 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर. अब हम ऐड करेंगे इसमें 1/4 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर एंड 1/4 टेबलस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर. सो अभी हम इसमें सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे. सॉल्ट पानी को लौकी में से खींचेगा और राउंड बॉल्स बनना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ हाफ कप बेसन. एंड मैं यहाँ कम बेसन यूज़ कर रही हूँ. आप ज़्यादा बेसन भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको क्रिस्पी कोफ्ता अच्छे लगते हैं. नेक्स्ट हम बनाएंगे अब कोफ्ता बॉल्स. अब हम करेंगे इन कोफ्ता बॉल्स को डीप फ्राई. मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ. आप कोई सा भी अपनी चॉइस का ऑयल यूज़ कर सकते हैं इनको डीप फ्राई करने के लिए. अब हम इसको लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, अदरवाइज ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं. अब हम इसे फ्राई होने देंगे और साथ ही साथ हम अपनी ग्रेवी की तैयारी भी करते रहेंगे. ग्रेवी के लिए मैं ले रही हूँ 2 चॉप्ड अनियन रफली चॉप्ड एंड 2 टमाटोज एंड 2 ग्रीन चिलीज, 4 क्लोव्स ऑफ गार्लिक एंड स्मॉल पीस ऑफ जिंजर. अब हम इसको ग्राइंड करने से पहले थोड़ा सा फ्राई करेंगे. इससे हमारी ग्रेवी जो है काफ़ी स्मूथ बनेगी और ग्रेवी में बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा. साथ ही साथ हम अपने कोफ्तों को पलट देंगे एंड दूसरी साइड से फ्राई होने देंगे. अब हम इसमें थोड़े से काजू ऐड करेंगे एंड इसको ब्लेंड कर लेंगे. अब हम उसी सेम पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे एंड उसे गर्म होने देंगे. सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे चुटकी भर हींग. अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून जीरा एंड इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 ड्राइड चिली. अब हम ऐड करेंगे इसमें हमारी ग्रेवी. अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून हल्दी एंड 2 टेबल स्पून सॉल्ट. अब हम इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला, 1/4 टेबलस्पून ब्लैक पेपर एंड 1/4 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर. अब हमारे कोफ्ते हो गए हैं फ्राई एंड मैं इसको एक बर्तन में निकाल लूँगी. अब हम अपनी ग्रेवी में लौकी का बचा पानी ऐड कर लेंगे क्योंकि लौकी का पानी काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है. हम सादा पानी यूज़ नहीं करेंगे, हम इसकी जगह लौकी का बचा हुआ पानी ही यूज़ करेंगे अपनी ग्रेवी के लिए. अब हम इस ग्रेवी को 2 से 3 मिनट तक उबलने देंगे. अब हम इस ग्रेवी में कोफ्ते ऐड कर लेंगे. सो
सो ये हो गई हमारी यमी सी लौकी कोफ्ता करी तैयार। सो गाइज कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप टू माय वीडियो और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।